टल जाएगी। और जगत में सबसे जो बढ़िया काम है कहते भगवान की भक्ति, भगवान की भजन, भगवान की भजन है, ये इससे बढ़िया जगत में कुछ नहीं। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करो, भगवान की नाम जप करो, भगवान की नाम जप करो सबसे पहले। ये काम करोड़ों काम को छोड़ करके प्रभु का भजन करो। हाँ देखो प्रहलाद महाराज बच्चों को शिक्षा देते, बच्चों को शिक्षा दे रहे, देखो उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताई। अब देखना कोई दूध को घर में निमंत्रण देता है, बताओ, वो बच्चों को समझा रहे, बोले कोई दूध को घर में निमंत्रण देता है क्या, बताओ, देते हैं नहीं, लेकिन बगैर निमंत्रण के आता है कि नहीं, बगैर निमंत्रण के घर में दूध आ रहा है कि नहीं, आती है, क्यों, उसको तो निमंत्रण दे, वो क्यों नहीं, वो क्यों आ रहा है, वो बच्चों को समझा रहे, बोले बच्चों हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ होगा ना वो होगा ही, उसको कोई टाल ही नहीं सकते, वो आएगा ही। जैसे बगैर निमंत्रण के जैसे दुख आती है, बगैर निमंत्रण के घर में तेरे सुख आएगा, क्योंकि यहाँ पहले लिख गया तेरे, ये ललाट में पहले लिख गया है ये आने वाला है। इसलिए हे बच्चों, इसलिए केवल सुख 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 के लिए पीछे मत भागा करो, उसको पीछे मत भागा करो। हाँ ये कोशिश करो भगवान की भजन करने के लिए कोशिश करो। वो कह रहे भगवान की भक्ति से जैसे तुम्हारे दुख दूर होगा ना, जगत में और कोई उपाय नहीं जो कि और किसी उपाय के द्वारा तुम दुख को दूर कर सकते हो। एक उदाहरण देकर समझा, हाँ ये चीज अच्छी चीज अच्छे तरह से दिमाग में बैठा। जैसे तुम्हारे यहाँ पर कोई फोड़ा हो गया, तुम्हारी यहाँ पर कोई फोड़ा हो गई, फोड़ा हो गई तो अगर उसको ऊपर आइंटमेंट लगाओगे बताओ फोड़ा सही होगा, देखना वो फोड़ा दूसरे जगह पर फिर निकलेगा, वहां पर भी थोड़ा आइंटमेंट लगा दिया वो क्या फोड़ा सही होगा, नहीं, फिर देखना वो तीसरी जगह पर निकलेगा। हाँ लेकिन वो फोड़ा क्यों हो रही है ये चीज को देखो, फोड़ा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है चूंकि तुम्हारा जो ब्लड है ना वो खराब हो गया है। अगर तो ब्लड को सही कर दो ना फिर फोड़ा अपने आप वो सही हो जाएगा। ये प्रहलाद बता रहे बच्चों को समझा रहे हैं, ये बता रहे कि तो उसी तरह देखना घर में एक दुख है, हम सोचते हैं अगर किसी तरह से ये दुख हल हो जाए ना शांति मिलेगा, लेकिन अब प्रैक्टिकल रूप में देखना वो दुख तो तुम्हारी गई नहीं, तीन दुख सामने खड़ी हो जाती। फिर सोचते हैं भैया किसी तरह से तीन दुख दूर हो जाए, हाँ किसी तरह से जी जान लगा देते, देखना वो तीन दुख तो खत्म नहीं, फिर पांच दुख तुम्हारे सामने, वो दलदल दलदल में फंसती जाती है जी, दलदल में फंसती जाती है, वो दुख दूर नहीं हो रहा है, एक बात में एक, एक बात में एक। हाँ ये प्रहलाद बच्चों को समझा रहे, हाँ ये कह रहे बोले क्यों ये दुख क्यों आ रहा है, ये चीज को जड़ से देखो, ये दुख का मूल कारण बोले केवल मूल कारण एक ही है, तुम भगवान की भजन नहीं कर रहे। बताओ हनुमान जी दिन भर करता है क्या, बताओ प्रभु का नाम लेता है, प्रभु की सेवा करता है, हम कभी की बोलते ना भजन गाते हैं, दुख संपत्ति घर आवे क्या कटेगा तन से, रिद्धि सिद्धि करते ना हनुमान की वंदना करते हैं, रिद्धि सिद्धि सब कुछ हनुमान देने वाले, बोले कहाँ से लाते हैं, केवल प्रभु की भजन की प्रताप से, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, दिन भर प्रभु का भजन भक्ति। शंकर जी को देखो ध्यान में दिन भर बैठे हुए होते हैं, कहते महामंत्र जय जपत महिषा, दिन रात शंकर जी भगवान के नाम जप करते हैं। जितने हम भगवान की भक्ति करेंगे उतना परिमाण में घर से दुख दूर होगी, और जितने भगवान भक्ति से दूर रहेंगे उतना ही दुख आएगा। इसलिए सारे दुख का मूल कारण है, भगवान कहते हैं हमने भगवान को भूल गए, भगवान को भूल गए, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठकर क्या करना, करोड़ों काम को छोड़ करके पहले बैठकर भजन करना, पहले भजन करना। इसलिए हमारे जो प्रभुपाद जिसने हमारे सारे विश्व में, वो कहते थे भगवान ने हमें 24 घंटा दिया, 24 आवर, बोले 8 घंटा काम करो, 8 घंटा सो और 8 घंटा भजन करो। वो कहते 8 घंटा सो, 8 घंटा काम करो और 8 घंटा भजन करो। अगर कोई बोलेगा नहीं 8 घंटा काम के लिए सबसेट नहीं, बोले 12 घंटा करो, वो कहते 12 घंटा करो, 12 घंटा करो, फिर 4 घंटा भजन करो। वो कहते हैं सवेरे 2 घंटा, देखो बुरा मत मानो, वो क्या कहते थे, सवेरे 2 घंटा अपना परिवार को शत्रु मानो, ये कोई हमारे मित्र नहीं है, ये सबके सब शत्रु है, क्योंकि ये जीवन दिया प्रभु ने भजन कर लिया है, 84 लाख जीवन के बाद में एक बार ये जीवन मिला। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लग कपास, आए तो भजन के लिए, तो फिर दूसरे काम में लग गए,
जो काम करने के लिए नहीं है उसमें लग गए, और जो करने के लिए आए उसको पीछे रख दिया। वो सत्य कहते घर में परिवार को अपना शत्रु मानो तो भटक ली, ठाकुर के सामने बैठो, गीता रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान की भजन करो, फिर मित्र मान लो अपना परिवार को मित्र। फिर शाम को जब आओ काम से, फिर दो घंटा परिवार को शत्रु मानो कि हमारे कोई नहीं है, कोई तो है ही नहीं, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा सबको कि लेकर के जाओगे, छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर शाम को दो घंटा क्या करो, ठाकुर के सामने बैठो, गीता रामायण पढ़ो, भगवान की भजन करो, उनका ये कहना है। अब देखना तुम्हारी मैया को देखो, यही तो करते थे, सवेरे उठ करके गोपाल जी का स्नान कराना, गीता पढ़ना, माला, यही तो करते थे, शाम को तो यही करते थे। तुम्हारे पिताजी मैया को देख लो, घर में यही करते थे। लेकिन अभी स्मार्टफोन, टीवी, इंटरनेट आकर के पूरा हमारी चित्तवृत्ति को पूरा बिगाड़ दिया है। यही चीज आकर के बच्चों को भी बिगाड़ दिया, हमें भी बिगाड़ दिया, सारा दुनिया को यही चीज बिगाड़ दिया है। सारे उल्टा पुल्टा गंदी सारा, पहले एक चैनल था, अभी सारा दुनिया की चैनल आ गया है, जिससे कुछ लाभ नहीं है, उसको देख करके सास वो की लड़ाई देखो, और उल्टा पुल्टा कोई सीरियल आ गया बिना कारने के, देख देख करके वो ऐसे पहन रहा है, हम भी ऐसे पहननी चाहिए, वो ऐसे खा रहा है, हम भी ऐसे डाइनिंग रूम खानी चाहिए। सारी कोई काम की नहीं, बिना काम की चीज है ना, आ करके बस सब बिगाड़ दिया हमको, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, सवेरे उठ करके, मैंने वह चार बहू की कथा सुनाई थी ना, चार बहू की याद है ना, पहला नंबर बहू कौन है, ये शरीर, जिस शरीर को ब्यूटी पार्लर में सजाते हो, जिसको लेकर जिम में जाते हो एक्सरसाइज, वो पहला बहू चली गई। दूसरी बहू कौन थी, माया पैसा, वो भी बोलते दूसरे से शादी कर लोगी, वो भी चली गई। तीसरी बहू कौन थी, परिजन परिवार, अपना पत्नी से जब अंतिम समय पूछा चलोगी, बोले दरवाजा तक चलूंगी, बोले आगे और आगे नहीं चल सकते, वो भी गए। परिवार वालों से पूछा कहाँ तक, बोले शमशान तक चलेंगे, बोले आगे और नहीं जा सकते। लेकिन चौथी बहू जो पूछे, बोले तुम चलोगी, बोले मैं ही चलूंगी तेरे साथ, केवल मैं ही साथ में चलूंगी, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम। अंतिम समय में यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यहाँ की सुई धागा नहीं जा रही, इसलिए पायो जी मैंने, तो फिर वो कर क्यों नहीं कर रहे हो बात को, जब यही चीज पाओगे मिलेगा, फिर क्यों नहीं कर रहे हो काम को, जो जाएगा नहीं उसके पीछे फिर इतना क्यों करे, ठीक है ना भैया। जब तक ये माला नहीं करेंगे इनको खाना नहीं देना, और आप भी उनको भी चेक करना, जब तक वो भी हरिनाम नहीं करेंगी उसको पूछना, ये तुमने भजन की कि नहीं, देखो।